नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे DRDO द्वारा डेवलप किए गए ऑटोमेटिक रोबोट की, जिसका नाम है दक्ष। यह रोबोट एक बॉम्ब डिफ्यूज़र रोबोट है, जिसे रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल भी कहते हैं। इसमें एक वाटर जेट डिसरप्टर, एक रोबोटिक आर्म, एक्सरे स्कैनर और एक शॉटगन लगी रहती है। इस रोबोट की रेंज 500 मीटर तक है। यह रोबोट किसी भी कार या बिल्डिंग को स्कैन भी कर सकता है और IED को वाटर जेट डिसरप्टर के द्वारा डिफ्यूज भी कर सकता है। आर्मी ने 20 दक्ष MK1 वर्जन का ऑर्डर दिया था, जिन्हें 2011 में पूरा कर दिया गया था। 2015 में DRDO ने दक्ष के MK2 वर्जन डेवलप कर लिए हैं, जो कि कई सारी नई खूबियों से लैस हैं। DRDO दक्ष MK2 अब CBRN डिटेक्शन, यानी कि केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडिएशन एंड न्यूक्लियर, चारों तरह के खतरों को डिटेक्ट कर सकता है और डिफ्यूज कर सकता है। इसके अलावा MK2 वर्जन पहले से ज़्यादा तेज और हल्का भी है। इसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी जैमर भी लगा हुआ है, जिससे कोई भी बॉम्ब को रिमोट द्वारा एक्सप्लोड नहीं कर पाएगा। ऑफिशियल खबरों के अनुसार दक्ष का सबसे ज़्यादा यूज नॉर्थ ईस्ट में किया जा रहा है, जहाँ पर लगभग 50 से भी ज़्यादा बॉम्ब को डिफ्यूज किया जा चुका है। दोस्तों, दक्ष में एक शॉटगन भी लगी है, जिसके द्वारा अगर बॉम्ब को एक्सप्लोड कराना हो तो वो भी कराया जा सकता है, और रिमोट आर्म द्वारा एक्सप्लोजिव के एक जगह से दूसरे जगह भी ले जाया जा सकता है। DRDO अब दक्ष को स्वदेशी निर्मित ड्रोन नेत्रा से जोड़ रहा है, जिसके बाद इसकी रेंज 4 किलोमीटर तक हो जाएगी। इसके अलावा इसका एक और वर्जन तैयार किया जा रहा है, जिसको एयरपोर्ट पर लगाया जाएगा। दोस्तों, यह पूरी तरह स्वदेश निर्मित रोबोट है और DRDO की एक बड़ी सफलता है। इसके MK2 वर्जन को भारत ने अपनी एक्सपोर्ट लिस्ट में डाल दिया है और जल्द ही इसका एयरपोर्ट वर्जन अफ्रीकन देशों को एक्सपोर्ट होने वाला है। इस वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।